कुछ दिन पहले अखिलेश के खिलाफ, अखिलेश यादव के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद करने वाली पल्लवी पटेल का क्या होगा? पल्लवी पटेल जो वाराणसी में राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा में उनके लाल रंग के कार में सवार होकर घूम रही थी, आज अगर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखा जाए तो ऐसा लगता है कि अब कांग्रेस पार्टी ने उन्हें एक तरीके से कह दिया है कि अपना डील वो अब समाजवादी पार्टी से करें, क्योंकि 17 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिल चुकी हैं, उसमें पल्लवी पटेल के लिए कोई सीट दिखाई नहीं देती। यानी कि कांग्रेस पार्टी तो 17 सीटें लेकर अलग हो गई है, लेकिन 63 सीटें अभी समाजवादी पार्टी के खाते में जाएंगी। और आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि छोटे दलों का भी ख्याल रखा जाएगा। तो जब 17 सीटें कांग्रेस लेकर एक तरीके से वो अलग हो चुकी है, तो 63 सीटों में अब ये जिम्मेदारी अखिलेश यादव की होगी कि वो किसे कितनी सीटें देते हैं और किन किन साझेदार दलों को वो सचमुच साझेदारी देने की कोशिश करते हैं। ऐसे में पल्लवी पटेल का क्या होगा? पल्लवी पटेल क्या अब वापस अखिलेश यादव के पास जाकर इस गठबंधन से अपने लिए सीटें मांगेंगे? क्योंकि कांग्रेस पार्टी अब उस स्थिति में नहीं है कि वो पल्लवी पटेल को सीटें दे सके, ना ही कांग्रेस पार्टी अब अखिलेश यादव पर यह दबाव बना पाएगी कि आप पल्लवी पटेल को सीटें दें। लेकिन जिस तरीके से पल्लवी पटेल और अखिलेश यादव के बीच तलखी बढ़ी थी, बाद में उसे कम करने की भी कोशिश पल्लवी पटेल ने की है, तो क्या अब अखिलेश यादव पल्लवी पटेल को जो उनकी कई सीटों की मांग है वो देंगे? ये कहना बड़ा मुश्किल है। इसी तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य, सभी को लग रहा था कि शायद कांग्रेस पार्टी अलग हो जाएगी तो सपा से अलग होकर वो कांग्रेस के साथ एक डील कर सकते हैं, उस गठबंधन में जा सकते हैं, लेकिन अब स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए भी इंडिया ब्लॉक के दरवाजे बंद होते दिखाई दे रहे हैं। वो नई पार्टी बनाएं चाहे कुछ बनाएं, लेकिन वो अब इंडिया ब्लॉक में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि कांग्रेस ने एक तरीके से डील सील कर दिया है और अब स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए इंडिया ब्लॉक का और सपा का रास्ता बंद है। उसी तरीके से सलीम इकबाल शेरवानी, इन्होंने भी सपा को के बारे में बहुत सारी बातें कही, अखिलेश यादव के बारे में बात कही, अब वो कहाँ से लड़ेंगे, किस गठबंधन में जाएंगे? और यही समस्या पल्लवी पटेल के लिए भी है, आखिर किस मुंह से अब वो अखिलेश यादव से डील करेंगे। देखना यह है कि क्या अखिलेश यादव बड़ा दिल दिखाते हैं और अपने छोटे दलों को साथ लेते हैं या नहीं लेते हैं। और आखिर में चंद्रशेखर रावण की भी बात कर लें, क्योंकि चंद्रशेखर रावण और अखिलेश यादव की केमिस्ट्री बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। ऐसे में चंद्रशेखर रावण को भी अखिलेश यादव से डील करना होगा या अखिलेश यादव को चंद्रशेखर रावण तक पहुंचना होगा, तब जाकर के कोई गठबंधन या डील हो पाएगी। लेकिन दोनों के अपने बड़े अहम हैं, कौन आगे बढ़ेगा, कौन आगे बढ़कर किसे कितनी सीटें देगा, ये बड़ी बात है। ऐसे में अब तमाम छोटे दलों को साथ रखकर सीट देकर चुनाव लड़ने और लड़ाने की जिम्मेदारी अखिलेश यादव की है और सबने अखिलेश से अपना बिगाड़ कर रखा हुआ है। ऐसे में कौन कौन अखिलेश यादव के पास किन किन मांगों के साथ, किन किन सीटों के साथ आएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। और क्या अखिलेश सबको साथ लेकर चलेंगे, चल पाएंगे, ये भी उनके लिए एक बड़ी चुनौती है।